मनीष राज पूरन काशी सभी लोग लाइन बाय लाइन आते जाएंगे। दिनेश बैठा संजय जो चुनाव के परिणाम आए ये चुनाव के परिणाम से ओवरऑल देश के अंदर में देश को एक विपक्ष मिल गया जो विपक्ष देश के अंदर में नहीं था आज इस चुनाव के माध्यम से विपक्ष खड़ा हो गया है और परिणाम पर खासकर जो सत्ताधारी दल थे वो मूल्यांकन करेंगे वो बैठेंगे विचार करेंगे कि किन कारणों से ये चीजें हुई है या फेल्यूर हुए। मेरी मान्यता है कि रीजनली आज भी देश को रीजनली सोचना होगा कि देश के अंदर में शहर गांव में बड़ा अंतर है और कभी भी शीर्ष पर बैठकर और वहां के चकाचौंध और वहां की सुविधा के अनुसार देश को आकलन करना गलत हो जाता है। कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं जो देश के अंदर जनता के लिए चलाई जाती उसका सीधा लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। हमने कभी भी 1952 से लगातार वोट हो रहे हैं लोग चयन कर रहे हैं नेता आ रहे हैं देश को नेतृत्व दे रहे हैं राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं बावजूद इसके आज 20-25 साल में गांव में बहस क्या है। गांव के लोग आज भी बुनियादी विषय पर बहस कर रहे हैं गांव के लोग आज राशन पेंशन पर बहस कर रहे हैं तो 20-30 साल से गांव का विषय ही हम लोगों ने इन्हीं चीजों को बना दिया है। तो अपग्रेड केवल पार्टी को या फिर लीडर का अपग्रेड होना पर्याप्त नहीं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। आपने अभी कहा कि 100% मैंने बिजली पहुंचा दिया तो एक मुख्यमंत्री स्टेट का लीडर होते हैं अगर कहीं एक गांव भी पांच गांव भी कहीं चूक गया तो एक वर्ड चूक जाता है। एक आपने कमिटमेंट में पब्लिक आपको ये मानने लगेंगे कि ये पूर्ण नहीं हुआ है फिर भी ये बात कर रहे हैं तो अखबार को आप जो कह देंगे अखबार आपकी बात को रखेगा मीडिया आपकी बात को रखेगा लेकिन हकीकत तो पब्लिक देख रहे हैं कि भाई सीएम साहब कल ये बोल के गए और देखो मेरे 8 गांव में अभी तक बिजली आई नहीं है।